छात्राओं में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा चलाए गए साइकिल वितरण अभियान के तहत भीलवाड़ा शहर के 21 राजकीय विद्यालयों में 3,287 साइकिलों का वितरण किया जाएगा। यह साइकिलें भीलवाड़ा शहर के सिंधु नगर स्थित राजकीय माध्यमिक विद्यालय राजेंद्र मार्ग में रखी हुई है। यहाँ से सभी 21 विद्यालयों को साइकिलें प्रदान की जा रही है। विद्यालय के प्रधानाचार्य श्यामलाल खटीक ने लोकवाणी को बताया कि अभी तक 1500 साइकिलों का कमेटी ने जांच कर ली है। हमने आज से ही साइकिलें वितरण का कार्यक्रम शुरू कर दिया है। कक्षा 9 व 10 में अध्ययनरत सभी छात्राओं को यह साइकिलें निःशुल्क वितरित की जाएंगी। इसके साथ ही हम यहाँ पर साइकिलें लेने आ रहे अध्यापकों को भी साइकिल की गुणवत्ता को अच्छी तरह से परखने के बाद ही प्रदान कर रहे हैं। लोकवाणी पर देखें हमारे संवाददाता प्रहलाद तेली की ये रिपोर्ट। बालिकाओं को शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए राजस्थान सरकार कई योजना चला रही है और उसी योजनाओं का एक कड़ी है राजस्थान सरकार द्वारा चलाई जा रही निःशुल्क साइकिल वितरण योजना। और इसी के तहत आज हम आए हैं सिंधु नगर स्थित राजेंद्र मार्ग स्कूल के अंदर, जहां हम देख सकते हैं कि यहां पर जो साइकिलें वितरण होनी है वो यहां से ही सप्लाई हो रही है। और यहां पर हम देख सकते हैं कि सैकड़ों की संख्या में यहां पर ये साइकिलें यहां पर बनी हुई है और यहां से वितरित होने के लिए यहां से अब अलग अलग क्षेत्र या अलग अलग स्कूलों के अंदर यहां से वितरण शुरू हो चुका है। ये जो राजस्थान सरकार की निःशुल्क साइकिल वितरण बहुत ही महती योजना है और इससे आसपास क्षेत्र के जो रहने वाली जो बालिकाएं हैं जिनको पैदल स्कूल जाना पड़ता है उनको साइकिल के माध्यम से और जल्दी स्कूल पहुंच हो और जल्दी स्कूल में जो टाइम वो बच सके और साथ ही एक जिस तरह का स्वावलंबन की जो बच्चों में एक होती है प्रेरणा वो जागृत करने के हिसाब से राजस्थान सरकार ये निःशुल्क साइकिल वितरण यहाँ से कर रही है। हमारे साथ मौजूद है राजेंद्र मार्ग स्कूल के प्रिंसिपल और इसके इंचार्ज श्यामलाल जी खटीक, इनसे जानना चाहते हैं सर क्या योजना है, किस की तरह और कितनी साइकिलें भीलवाड़ा के अंदर शहर के अंदर वितरित होने वाली है। सर राजस्थान सरकार की एक महती योजना है निःशुल्क साइकिल वितरण योजना, ये 2020-21 एवं 21-22 की साइकिलें वितरण होनी है। शहरी नोडल क्षेत्र भीलवाड़ा की साइकिलें हम यहाँ से वितरित करेंगे, 21 विद्यालय उनको वितरित की जानी है और दोनों वर्ष की 3,287 साइकिलें वितरित होनी है। अभी कमेटी ने 1500 साइकिलों का वेरिफिकेशन किया है और हम इनको आज से वितरण चालू कर दिया है। कौन सी क्लास की जो छात्रा है उनको ये वितरण होगी? सर ये वैसे तो राजस्थान सरकार की एक योजना है, कक्षा 9th में पढ़ने वाली सभी बालिकाओं को वितरित की जानी है, लेकिन पिछले वित्त वर्ष में पिछले शैक्षणिक सत्र में ये वितरित नहीं की गई, इसलिए कक्षा 10th की लड़कियों को भी वितरित की जाएगी। कौन कौन सी स्कूलें शहर की है या ग्रामीण क्षेत्रों में वितरित होने जाएगी? सर ये जो हमारे पास है वो शहरी क्षेत्र की अंदर जो भी सरकारी विद्यालय उनको हम वितरित कर रहे हैं। सोहाना ब्लॉक के 2 नोडल बनाए गए हैं, ग्रामीण क्षेत्र का जो सोहाना स्कूल है और शहरी क्षेत्र का राजमार्ग को नोडल बनाया है। कुल कितनी साइकिलें यहाँ से वितरित होगी सर? 3,287 साइकिलें वितरित होनी है सर। करीब पूरी हो चुकी है? हाँ करीब करीब सभी साइकिलें कंप्लीट हो गई है और इसकी गुणवत्ता चेक कर ली गई है, 15 साइकिलों की चेक कर ली गई है, 15 साइकिलें वितरित होती कमेटी फिर वापस दूसरी साइकिलों की जो है गुणवत्ता चेक करेगी और ऑर्डर करेगी तो हम वितरित कर देंगे। बिल्कुल, तो शहरी क्षेत्र में करीब 3,000 साइकिलें राजस्थान सरकार जो छात्राएं हैं उनको वितरित करेगी और वितरण का कार्य भी शुरू हो चुका है। साथ ही जिस प्रकार जो यहाँ के नोडल अधिकारी है श्यामलाल जी खटीक, उन्होंने बताया कि इन साइकिलों के जो है गुणवत्ता का पूरा ध्यान रखते हुए और छात्राओं के सेफ्टी के अनुरूप इन साइकिलों का निर्माण करवाया गया है और जल्द ही इन साइकिलों का जो वितरण है शुरू कर दिया जाएगा। लोकवाणी के लिए